हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी एंड आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो छोटा सा लेक्चर है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर से हम लोग बात करेंगे CFC। अब आप लोगों ने CFC का नाम तो पहले सुन रखा होगा। CFC क्या चीज़ होती है, क्या इम्पोर्टेंस होता है CFC का, और क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं, वो सभी बात मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी CFC का तो नाम सुना होगा। CFC का फुल फॉर्म होता है बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये CFC आप कहाँ पे नाम सुने हो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दोस्तों, जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो आपकी एयर कंडीशनर होती है, जो AC वगैरह होती है, उनसे जो गैस निकलती है बेसिकली CFC गैस निकलती है। और जो ये CFC गैस होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हार्मफुल कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि हमारे मतलब पृथ्वी के बाहर क्या होता है कि एक ओजोन लेयर बनी होती है, जो ओजोन लेयर ह्यूमन बींग के लिए प्रोटेक्शन का कार्य करती है। सही है, मतलब ह्यूमन बींग के लिए प्रोटेक्शन लेयर की तरह बिहेव करती है। इट मीन्स जो सनलाइट होती है, जो यूवी रेज होती है, डायरेक्टली हमारे अर्थ पे नहीं आती, उसको जो ओजोन लेयर होती है वो वापस पीछे भेज देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओजोन लेयर जो हमारी है वो ह्यूमन बींग के लिए या एनिमल्स के लिए प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। और अगर जो CFC गैस क्या होती है बेसिकली ओजोन लेयर में छेद कर रही है। भाई, जब ओजोन लेयर में वो छेद कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूवी रेस क्या होती है डायरेक्टली अर्थ पर आती है। अब भाई, यूवी रेस का डायरेक्टली अर्थ पे आने का क्या डिसएडवांटेज है, क्या हानिकारक प्रभाव है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर यूवी रेस डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आती है तो बेसिकली त्वचा कैंसर में वृद्धि होती है। ह्यूमन बींग में जो त्वचा कैंसर होता है उसमें वृद्धि होती है। उसके अलावा यूवी रेस का डायरेक्टली अर्थ पर आने से, ह्यूमन बींग से टकराने से जो आंखों में मोतियाबिंद नामक रोग होता है उसमें वृद्धि होती है। उसके अलावा अनेकों बीमारी जो होती है वो यूवी रेस से होती है। सो देट ओजोन लेयर जो प्रोटेक्शन लेयर का कार्य करती है उसको कौन डिप्लीट कर रहा है, ये CFC डिप्लीट करती है। तो बेसिकली आप लोग डाल दीजिए हेडिंग CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीऑन। इसका और नाम क्या होता है मेरे भाई? फ्री ऑन इसका नाम होता है, फ्री ऑन। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फ्री ऑन इसको हम बोलते हैं, इन शॉर्ट फ्री ऑन्स। ओके, फ्री ऑन्स की कहानी क्या होती है जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। एक एक बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, आराम से सब समझ में आएगा। फ्री ऑन बेसिकली क्या होते हैं? पॉली क्लोरो फ्लोरो होते हैं भाई, पॉली क्लोरो फ्लोरो हेलो सॉरी जो बेसिकली जो फ्रियोन होते हैं वो होते पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन। क्या होते बेटा जी? पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन को बेसिकली क्या कहा जाता है? फ्रियोन कहा जाता है। देखो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन, पॉली CHLOR, क्लोरो फ्लोरो एल्केन्स जो होते हैं वो क्या होते बेटा जी आप लोगों के? वो होते हैं आपके फ्रियोन। दोस्तों क्या होते हैं? फ्रियोन्स होते हैं। और इन फ्रियोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इन फ्रियोन्स को हम लोग बोलते हैं CFC। CFC का मीन क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो आपको क्या पता कि पॉली क्लोरो फ्लोरो जो एल्केन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रियोन्स बोलते हैं। और फ्रियोन्स को क्या कहा जाता है? CFC कहा जाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहा जाता है। अब देखो कहानी क्या होती है, फ्रियोन जो होता है इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रियोन बनता कैसे वो कमाल इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फ्रियोन को नाम कैसे देते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने बेसिकली क्या देखा, फ्रियोन बेसिकली क्या होता है? पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन्स क्या होते हैं? फ्रियोन्स होते हैं, जिन्हें इन शॉर्ट क्या कहा जाता है? CFC कहा जाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहा जाता है। अब जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो प्रिपरेशन कैसे करेंगे जरा आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग बनाएंगे भाई, किसको बनाएंगे? फ्रियोन को बनाएंगे। हम प्रिपरेशन की बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन की बात करेंगे, जरा आप लोग ध्यान दीजिए।
प्रिपरेशन की बात करेंगे कि दोस्तों फ्रियोन को हम लोग बनाते कैसे। एकदम आसान तरीका है फ्रियोन बनाने का, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रियोन को कैसे बनाते। बेसिकली जब CCl4 की रिएक्शन HF की साथ में करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या SbF5, मैंने क्या बोला, व्हेन CCl4 रिएक्ट विद, ये आपका CCl4 है, अगर ये HF के साथ में रिएक्ट करेगा और HF के साथ में रिएक्ट करने के बाद में इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5 जो कि हेलोजन कैरियर होता है, या फिर हम लोग SbF5 की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बेसिकली क्या होता है मेरे भाई, यहां से Cl और यहां से H बाहर निकलेगा, और जैसे ही H और Cl बाहर निकला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, HCl हमारा बाहर निकल गया और फ्लोरीन जाके इस पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, CFCl3 बनेगा। दोस्तों क्या बना, CFCl3 बना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो CFCl3 बना है ना, इस CFCl3 को कहा जाता है फ्रियोन 11। दोस्तों क्या बोलेंगे, फ्रियोन 11 कहेंगे। सवाल ये उठता है मेरे भाई, ये फ्रियोन 11 नाम कैसे मिला, इसको ये वाला इंपॉर्टेंट काम है जो हमें सीखना है, तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। अब क्या होता है मेरे भाई, जो आपका CFCl3 बना है ये अगेन HF से रिएक्शन करेगा, वही इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5। जरा आप लोग ध्यान देना बेटा जी, क्या होता है कि यहां से वही H और यहां से वही Cl मिलके क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और यहां से क्या बनेगा, फ्लोरीन जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, CF2Cl2 बनेगा। दोस्तों तीन Cl में तो एक Cl H के साथ मिलके HCl बाहर निकल गया, और एक फ्लोरीन पहले से था, एक F आ गया, क्या बना, CF2Cl2। और मेरे साथियों इसको कहा जाता है फ्रियोन 12। दोस्तों क्या बोलेंगे इसको, फ्रियोन 12 बोलेंगे। जरा आप एक एक बात समझने की कोशिश करना। सवाल ये उठता है कि सर इसको 11 नाम दे दिया आपने और इसको 12 नाम दे दिया, ऐसा क्यों, मैं अभी आपको कुछ देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब क्या होता है, एक और एक प्रोसेस हम लोग करते, लेट सपोज मान लीजिए कि C2Cl6 की रिएक्शन अगर 2 मोल ऑफ HF के साथ में हम लोग करवाएंगे तो बेसिकली यहां से क्या होगा, जरा आप देखकर बताना जी, कि यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से 2 Cl मिलके बाहर निकलेंगे, तो क्या बाहर निकल जाएगा, 2HCl बाहर निकल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी, जैसे ही 2HCl बाहर निकला तो क्या बनेगा, यहां से एक तो बना C2 और एक बना 2F लग जाएंगे, तो F2 बन गया, और क्या बन गया दोस्तों, Cl6 बन गया, और इसका नाम दोस्तों होता है फ्रियोन। दोस्तों क्या नाम होता है, फ्रियोन 112, क्या नाम होगा, फ्रियोन 112 होता है। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्या बना लिए, फ्रियोन बना लिए। सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि सर इनको नाम कैसे दिया, कि आपने इसको फ्रियोन 11 नाम दिया, इसको आपने फ्रियोन 12 नाम दिया, इसको आपने फ्रियोन 112 नाम दिया, सर ये नाम कैसे दिया जाता है, वो हमारे लिए कमाल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नाम कैसे देते हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से इसको नाम दिया जाता है। एक बार मैं ब्राइटनेस को चेक कर लेता हूं कि आपको तो आप लोगों ने देखा कि फ्रियोन को किस तरीके से हम लोगों ने बनाया। फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल CCl4 की रिएक्शन HF के साथ में करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5 तो क्या बनेगा, फ्रियोन 11 बनेगा, देन 12 बनेगा, देन 112 बनेगा। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इसके नोमनक्लेचर की बात करने वाले हैं, कि इनको ये 11 क्यों बोला मैंने, इसको 12 क्यों बोला मैंने, और इसको 112 क्यों बोला मैंने। तो जरा आप लोग ध्यान दीजिए, अब हम लोग किसकी बात करेंगे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे नोमनक्लेचर की, कि भाई इसको नाम कैसे दिया जाता है। नोमनक्लेचर ओके, और किसका नोमनक्लेचर मेरे भाई, फ्रियोन के नोमनक्लेचर की हम लोग बात करेंगे। दोस्तों जब भी फ्रियोन का नोमनक्लेचर आपको करना होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग क्या करेंगे, फ्रियोन का नोमनक्लेचर करने के लिए इस तरीके से किया जाता है, फ्रियोन बराबर एक्स वाई एंड जेड। सवाल ये उठता है कि सर एक्स तो क्या होता है, वाई क्या होता है, और जेड क्या होता है। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे जो दोस्तों एक्स होता है ना बेटा जी, वो होता है कार्बन की संख्या, फ्रियोन में कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन इन फ्रियोन, इन फ्रियोन माइनस वन, नंबर ऑफ कार्बन इन फ्रियोन माइनस वन, इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, सी माइनस वन बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रियोन का जो फॉर्मूला है उसमें कितने कार्बन है, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो वाई होता है दोस्तों वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फ्रियोन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन फ्रियोन प्लस वन, क्या करेंगे दोस्तों प्लस वन, इसका मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली बोलू तो एच प्लस वन बोल सकता हूं इसको मैं, सही है। जो जेड होता है वो होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्रेजेंट इन फ्रियोन, इन फ्रियोन, अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। तो एक्स वाई जेड आप लोगों ने निकाल लिया कि जो आपका फ्रियोन है ना यार उसमें कितने कार्बन है, अगर उसमें से आप एक माइनस कर दोगे तो वो आपका एक्स निकल जाएगा, और जितने हाइड्रोजन है उसमें एक प्लस कर दोगे तो वो आपका वाई निकल जाएगा, और जितने फ्लोरीन एटम है उसमें आप क्या कर दोगे दोस्तों, एज इट इज लिख दोगे, वो आपका जेड बन जाएगा। आपको बात समझ में आई क्या, जरा बोलो आपको बात समझ में आई क्या। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को डील करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, अब कुछ एग्जांपल्स डील करेंगे दोस्तों। यहां पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला, देखना मेरे भाई, यहां पे लिखा मैंने फॉर्मूला, फ्रियोन का फॉर्मूला, ओके, यहां पे लिखा मैंने एक्स, यहां लिखा मैंने वाई, यहां लिखा मैंने जेड, और यहां लिखा मैंने फ्रियोन कि भाई फ्रियोन कैसा बना, ओके। चलो अब जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बात करता हूं, मैं पहली बात करता हूं, यहां से बात किया मैंने CFCl3 की बात करी, देन हम बात करेंगे CF2Cl2 की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे दोस्तों, अभी हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, एक साथ हम लोग पहले बना दे रहे हैं, सही है, फिर हम लोग बात करेंगे C2FCl5 की बात करेंगे, C2FCl5 की हम लोग बात करेंगे, C2F2Cl4 की बात करेंगे, देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे C2F3Cl3, C2F3Cl3 की बात करेंगे। तो आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, अब हमको क्या करना है, इनका नाम लिखना है कि भाई इसका नाम क्या होगा। तो जरा आप लोग ध्यान देना मेरे साथियों कि मुझे बताओ x की वैल्यू क्या थी, x क्या था कि जो फ्रियोन का फॉर्मूला होता है, फ्रियोन का जो सूत्र होता है उसमें जितने कार्बन है उसमें से एक माइनस कर देना है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्रियोन के फॉर्मूले में कितने कार्बन है, आप कहोगे सर एक कार्बन है, तो एक में से एक माइनस चला गया तो क्या बना दोस्तों, जीरो बना, अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई, सही है। और वाई क्या था कि फ्रियोन में जितने हाइड्रोजन है उसमें एक ऐड कर देना है, तो देखो यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जीरो हाइड्रोजन है, और जीरो में आप एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, एक ही बनेगा। और जेड क्या होता है मेरे भाई, जेड होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, कितने फ्लोरीन है दोस्तों, एक फ्लोरीन है, तो मैंने क्या लिख दिया एक। तो मुझे बताओ सूत्र क्या बनेगा, सूत्र यही तो बनेगा दोस्तों, फ्री ऑन 11, क्या बनेगा दोस्तों, फ्रियोन 11, जीरो का मतलब है नहीं, बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। इस तरीके से मैं अगर इसकी बात करूं, एक्स की वैल्यू क्या होती है, कार्बन माइनस वन, कितने कार्बन है दोस्तों, एक कार्बन है, और एक में से एक या तो क्या बचा, जीरो बचा, हाइड्रोजन तो किसी में भी नहीं है, इट मीन सब में क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि जीरो में वन एड करेंगे तो वन ही आता है, और यहां फ्लोरिन एटम कितना है भाई, दो है, तो यहां पर क्या बना जो हमारा फॉर्मूला, फ्री ऑन 12 दोस्तों, क्या बना, फ्री ऑन 12 बना। इस तरीके से हम लोग नाम लिखते हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, देखो एक्स क्या होता है, कार्बन माइनस वन, कितने कार्बन है दोस्तों, दो, दो में से एक गया तो क्या बना, एक ही तो बना मेरे भाई, ओके। चलो हाइड्रोजन कितने हैं, आप कहोगे इसमें जीरो, जीरो में वन एड करो तो क्या बन जाएगा, वन, और फ्लोरिन कितना है दोस्तों, यहां पर एक है दोस्तों, कितना है, एक है, तो क्या बन गया जल्दी बता दो, फ्री ऑन, फ्री ऑन वन वन वन, यस और नॉट, क्या बना, फ्री ऑन वन वन वन, यस और नॉट, बात समझ में आ रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसकी बात करते हैं बेटा जी, कार्बन माइनस वन, कितने कार्बन है दोस्तों, दो, दो में से एक गया तो क्या बचा, एक, सही है। हाइड्रोजन जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन, कितने फ्लोरीन है यहां पर, दो फ्लोरीन है, और यहां पे क्या बन जाएगा, फ्री ऑन वन वन टू, ये क्वेश्चन जेट एग्जाम में पूछा गया है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही आप लोगों को, चलो बहुत बढ़िया। इसकी बात कर लेते हैं, कितने कार्बन है, दो, दो में से एक गया तो एक बचा, और यहां पे क्या लिखा, एक, और तीन क्या है, फ्लोरीन, तो क्या बन गया फॉर्मूला, फ्री ऑन वन वन थ्री, अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई,
ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक होता है। बेसिकली फ्रियोन क्या होता है, पॉली क्लोरो फ्लोरो जो एल्केन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रियोन बोलेंगे, जिन्हें इन शॉर्ट CFC कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। फिर हमने क्या देखा कि भाई फ्रियोन को हम लोग बनाते कैसे, बहुत आसान तरीके से हमने फ्रियोन को बना लिया कि CCl4 की रिएक्शन HF के साथ में करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर SbF5। तो कभी फ्रियोन 11 बनता है, कभी फ्रियोन 12 बनता है, कभी 112 बनता है। सवाल ये उठता है कि सर ये 11, 12, ये 112 किस तरीके से नाम दिया जाता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों कि यहां पर फॉर्मूला होता है फ्रियोन XYZ। क्या होता है बेटा जी, फ्रियोन XYZ होता है। यहां पे X क्या होता है बेटा जी, जो भी आपका कार्बन है फॉर्मूले के अंदर उसमें से एक माइनस कर देना, और यहां पे Y क्या होता है कि जो भी हाइड्रोजन है उसमें से एक ऐड कर देना, और यहां पे Z क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। दोस्तों जो ये Y की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है मेरे भाई, एक आती है, क्योंकि फ्रियोन के फॉर्मूले के अंदर, फ्रियोन के सूत्र के अंदर हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, जीरो, और जीरो में आप एक ऐड करेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा दोस्तों, एक ही बनेगा, यस और नॉट। फ्लोरीन एटम आप देखकर ही पता लगा सकते हो, और उस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर बनाए हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि इस लेक्चर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।